हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज जय, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक्निकल डीके वी में। यहाँ पर मैं एक इंडक्शन कुकर के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि ब्रांड है यह सीलो कंपनी का। यह 1600 वाट का है। इसकी वारंटी की बात किया जाए तो एक साल की वारंटी मिल जाती है इसकी। इसकी मॉडल नंबर की बात की जाए तो ब्लेजिंग 600B इसका मॉडल है। इस इंडक्शन में 230 वोल्ट सप्लाई इनपुट किया जा सकता है, जो कि अच्छे वर्ग के लिए काम करेगा। इसकी प्राइस की बात किया जाए तो यहाँ पे 2019 का रेट है 3399 ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मुख्य प्राइजिंग जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, सिलो ब्लेजिंग 600B आपको देखने को मिल जाएगा इसका रेट। इंडक्शन जब खरीदारी होती है तो भैया यहाँ पर सीरियल नंबर की आवश्यकता होती है वारंटी के लिए। ये है वारंटी कार्ड, इसको रखते हैं साइड में। दूसरा मिल जाता है मैनुअल कार्ड, जो कि सभी प्रकार के इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं कि क्या करें और क्या ना करें, कौन सा बटन रखें, सभी जानकारी इसमें उपलब्ध है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर मैं इंडक्शन को खोल करके बाहर निकालता हूँ, प्लास्टिक से बाहर। पैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होकर के आती है, चाहे किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट हो, गिरने पर टूटे फूटे ना, स्क्रैचिंग ना हो। तो यहाँ पर मैं इस इंडक्शन को निकाल लिया हूँ बाहर, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका ग्लास ऊपरी सिरा है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ब्लेजिंग 600B इसका मॉडल नंबर भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग बनाया गया है। इंडक्शन के टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर का नाब। पोटेंशियोमीटर से ऑन करने के बाद 500 वाट से लेकर के 1600 वाट तक का टेम्परेचर पे आप खाना बना सकते हैं। हर इंडक्शन के पीछे लगा होता है एक फैन, जिससे कि प्लेट से आने वाली हीटिंग गर्म हवा को ये बाहर निकालता है। एयर वेंट के द्वारा हवा जाती है ठंडी, और हवा पंखे के द्वारा निकलती है, जिससे कि इंडक्शन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। समय समय पर वेंटिलेशन होल को आप हमेशा साफ करते रहें, जालियां को, और इसका साफ सफाई नियमित रूप से करते रहें। इस पर भोजन बनाने के लिए समतल बर्तन की आवश्यकता पड़ती है, जिसका आधार व्यास कम से कम 12 सेंटीमीटर से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर तक का हो, और इसका जो बर्तन हो लोहे या फिर स्टील का हो। एल्यूमिनियम पर यह काम नहीं करता है। इस इंडक्शन मशीन पर ज़्यादा से ज़्यादा हम भार 6 किलो से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, नहीं तो ये टूटने का चांस होता है ग्लास का। भोजन को बनाने के बाद तुरंत सफाई न करें, नहीं तो हाथ जलने का चांस होता है। ठंड हो जाने पर इसका सफाई किया जा सकता है, और इस पर पानी न गिराएं। इस इंडक्शन को जैसे LPG गैस चूल्हे गर्म स्थानों पर न रखें। आज बस इतना ही, अपने भाई को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।